अग्निपथ योजना का क्या है अटल कनेक्शन? अग्निपथ के स्क्रिप्ट का क्या है इतिहास? मोदी ने पूरा किया अटल का सपना। क्या है कारगिल रिपोर्ट? क्यों चर्चा में है कारगिल रिपोर्ट? देश में जो लोग सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में देश को जलाने में आमादा रहे, उन्हें इतिहास के पन्नों पर नजर जरूर डालनी चाहिए और इस रिपोर्ट को ध्यान से जरूर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्योंकि अग्निपथ योजना नई नहीं है, बल्कि इसकी तैयारी तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल से ही शुरू हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि किस वजह से इस योजना को अमली जामा नहीं पहनाया जा चुका है। अब आपको बताते चलते हैं कि क्या है पूरी कहानी और क्या है अग्निपथ योजना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दरअसल पाकिस्तान और भारत के युद्ध के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी वाली सरकार में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी तो उस रिपोर्ट का नाम था कारगिल रिव्यू कमेटी। कारगिल रिव्यू कमेटी के बारे में जरा आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मैं 25,000 पन्नों वाली रिपोर्ट भले ही गोपनीय हो, लेकिन कई बार उसके कुछ अंश मीडिया में लीक होने की भी खबर सामने आई है। कहा तो ये भी जाता है कि आज की अग्निपथ की बुनियाद तो उसी रिपोर्ट में ही लिख दी गई थी, भले ही मात्र 90 दिन में ये रिपोर्ट तैयार हो गई थी। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास था जो इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया? कुछ जानकार तो ये भी मानते हैं कि अगर इस रिपोर्ट को मीडिया के हाथों में दे दिया जाता तो देश का स्वरूप ही बदल जाता। तो आइए सुनाते हैं आपको कि क्या लिखा था इस रिपोर्ट में। इस कारगिल रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि देश के सामने आने वाले युद्ध के खतरे को देखते हुए, बड़े पैमाने पर उभरते आतंकवाद की स्थिति को देखते हुए अर्धसैन्य बल की भूमिका और कार्यों को पुनर्गठित किया जाना चाहिए, खासकर कमान एवं नियंत्रण तथा नेतृत्व के संदर्भ में उन्हें प्रदर्शन के उच्च मानकों के लिए प्रशिक्षित करने और आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से सुचित करने की जरूरत है। सशस्त्र बलों, अर्धसैन्य बलों और केंद्रीय पुलिस बलों के लिए एक एकीकृत जनशक्ति नीति अपनाने की संभावना की जांच होनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में आगे क्या कहा गया था। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि सेना को जवान और फिट रहना चाहिए, इसलिए 17 साल की सेवा जैसे कि 1976 नीति रही है, जबकि वर्तमान प्रथा को हटाने की सलाह भी दी गई थी। साथ ही सेवा अवधि 7 से 10 साल कम करने का भी जिक्र था। इसके साथ अधिकारियों और जवानों को देश के अर्धसैन्य बलों में सेवा के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। सेवा अवधि की समाप्ति के बाद उन्हें नियमित पुलिस बलों में लिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51(1)(a) के तहत आपको बता दें कि राष्ट्रीय सेवा कोर या राष्ट्रीय संरक्षण कोर में शामिल किया जा सकता है, जो भूमि एवं जल संरक्षण और भौतिक एवं सामाजिक ढांचे के विकास की एक श्रृंखला का नेतृत्व करेंगे। यानी साफ है कि उस वक्त इन नीतियों को अमली जामा पहनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी के शीर्ष नेतृत्व में थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसको अग्निपथ योजना का स्वरूप दे दिया गया है। जानकार ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार ने अंधेरे में एक ऐसा तीर नहीं चलाया होगा, बल्कि किसी न किसी रिपोर्ट को रोड मैप मानकर यह फैसला लिया गया होगा। आइए एक और नजर डालते हैं कारगिल रिपोर्ट पर। 7 जनवरी साल 2000 में जब सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में सैलरी के बाद पेंशन को लेकर सरकार पर बढ़ते बोझ को लेकर सवाल उठाया गया था, ये भी दावा किया गया था कि अगर इसे नहीं रोका गया तो रक्षा बजट दोगुना करना होगा, जो कि बेहतरी का संकेत नहीं देगा। तो आपको बता दें कि ये दावा भी किया गया था। 2016 में ऐसा क्या हुआ जहां से अग्निपथ योजना की जमीन तैयार होने लगी? 2016 में कैग की रिपोर्ट। अगर भारत की सेना को लगातार 10 दिन का युद्ध लड़ने मैदान में उतार दिया जाए तो भारत के पास गोला बारूद की कमी दिखाई देने लगेगी। भारत इस वक्त 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ने की बात करता है, तब उस वक्त विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे, मगर हकीकत ये है कि जब रिपोर्ट आई थी तब उस वक्त मोदी की पीएम बनने से महज 2 साल ही हुए थे। यानी किसी भी देश की ताकत तो सेना ताकत में मापी जाती है, तो सिस्टम में बदलाव वक्त की दरकार है। ऐसे में साफ होता है कि नेता की कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे, मगर ये भी सोचे कि मोदी खुद की कुर्सी को खतरे में डालकर रिस्क लेने तक का मादा रखते हैं। तभी तो बवाल करते वक्त सिर्फ देश का भविष्य सोचते हैं। और अब आप ही तय कीजिए कि आप अग्निपथ योजना के साथ जाना चाहते हैं या देश की संपत्ति को आग के हवाले करने वालों के साथ जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बजट।